माय डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडीबेस क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर का जो नाम है उसको डिस्कस करने से पहले एक बेसिक सा छोटा सा कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे इक्वेशंस क्या होती हैं, एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। अब एक्सप्रेशंस का नाम, या तो आप लोग ये मत समझना कि मैम फेशियल एक्सप्रेशंस की बात कर रही है, नहीं, मैथमेटिक की जो एक्सप्रेशंस होती है उसकी बात कर रही हूँ मैं। स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं कि बेसिक सी जो कॉन्सेप्ट है, क्या इक्वेशन क्या होती है, इसको रिपीट कर लेते हैं बिकॉज हमने प्रीवियस क्लासेस में ये चीजें पढ़ी हुई है। फर्स्ट हमारी हो गई एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होती है स्टूडेंट, देखो एक एग्जाम्पल देते हैं, x प्लस 5, तो ये हमारी क्या है, एक्सप्रेशन है। ओके, ये हमारी क्या है, एक्सप्रेशन है। जब हम इक्वेशन देखते हैं कि इक्वेशन क्या होती है, इक्वल टू 10, तो ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन होगी। अब सिंपल वे में अगर हम देखें तो हम एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे। सिंपल आप लोगों को डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे इक्वल टू का जो साइन है वो है। तो दोनों में फर्स्ट जो डिफरेंशिएट है वो तो यही हो गया कि जो एक्सप्रेशन होती है उसमें क्या नहीं होता, इक्वल टू का साइन नहीं होता, और जो हमारी इक्वेशन होती है उसमें इक्वल टू का साइन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दोनों साइड को, एक साइड को LHS बोलते हैं, सेकेंड साइड जो होती है उसको RHS बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो हो गई इसके बारे में एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। अब जो हमारा चैप्टर का नाम है क्या है, लीनियर इक्वेशन। अब आप लोग पूछोगे मैम लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब हुआ। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैंने लिखा x प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 30, तो ये हमारी इक्वेशन हुई, बट इसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकते, ठीक है। क्यों नहीं बोल सकते, एक और एग्जांपल देखते हैं, तो आप दोनों इक्वेशन में जब डिफरेंस करोगे तो आपको इजीली वो चीज़ समझ में आ जाएगी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 30। अब यहाँ देखो, जो दो एग्जांपल्स आप लोगों को मैंने दिए हुए हैं, अब दोनों में डिफरेंशिएट करो क्या डिफरेंस है। देखो फर्स्ट में जो मेरी हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो क्या है, 2 है, 2 मेरी क्या है, हाईएस्ट पावर है। पर जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें मेरी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक डिफरेंस यही हो गया कि जो लीनियर इक्वेशन होते हैं, लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी। बट जो इक्वेशन तो ये भी है, बट इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। हाँ, इक्वेशन होगी बट लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। तो ये तो होगा इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब स्टूडेंट देखो, इन वन वेरिएबल इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे भी दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, एक हो गया एक्स प्लस 3x इक्वल टू 15। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, जो मेरी ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ पे मेरा x एंड y है, यहाँ पे क्या है, x एंड y, मतलब मेरे कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं। सो ये हमारी क्या होगी, वन वेरिएबल वाली इक्वेशन नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, दो वेरिएबल आ रहे हैं। बट यहाँ पे देखो x है एंड अगेन x है, वेरिएबल कितने हमारे, सिंगल वेरिएबल है, तो ये हमारी क्या होगी, वन वेरिएबल की इक्वेशन होगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को इक्वेशन, एक्सप्रेशन एंड वन वेरिएबल समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स देखो, जो ये हमारी लीनियर इक्वेशंस होती हैं, इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों की एक्सरसाइज में आएंगे। तो एक बार बेसिक से उन चीज़ों के जो कॉन्सेप्ट है उसको हम स्टडी कर लेते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करो तो आप लोगों को उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट्स देखो, फर्स्ट किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 3x प्लस 5 प्लस 10 इक्वल टू 15। सपोज इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, छोटा सा ले लेते हैं, हाँ चलो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 5 प्लस 3 सेम वेरिएबल है, तो हम इसको ऐड कर देंगे, 8x प्लस 10 एंड 15। 8x को यही रखेंगे, जो नंबर है उसको हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, 15 माइनस 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, 15 माइनस 10 हुआ ना मेरा, तो ये माइनस हुआ, ये माइनस क्यों हुआ, माइनस 10 ही क्यों हुआ ये। तो स्टूडेंट्स देखो, ये साइन की मैं आप लोगों को चीज बताती हूँ। सपोज ये मेरी LHS साइड है, ये मेरी RHS साइड है, ठीक है, ये मेरी दो साइड है। जब कोई भी नंबर विद साइन RHS साइड शिफ्ट होगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब अपोजिट हो जाएगा। अब देखो, जैसे यहाँ मेरा प्लस था, यहाँ जाके माइनस, माइनस यहाँ जाके क्या होगा, प्लस, मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड, एंड डिवाइड यहाँ जाके मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखो, मेरे 8x इक्वल टू कितना आया यहाँ पे मेरा, 15 माइनस 10 कितना होगा, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5।
तो x इक्वल टू 5, ये 8 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 5 बाई 8 आ गई। अभी इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या होता है कि हमें रिजल्ट जो हमारा होता है उसको क्या करना होता है, वेरीफाई। क्या करना होगा, उसको वेरीफाई करना होगा। अब स्टूडेंट देखो, हमारी इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 15। एक्स की वैल्यू 5 बाई 8 प्लस 5, अगेन एक्स की वैल्यू 5 बाई 8 प्लस 10 इक्वल टू 15। मतलब जो यहाँ पे मेरे जो ये चीज़ आ रही है, इनका आंसर कितना आना चाहिए, इक्वल टू 15 आना चाहिए। अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। अब स्टूडेंट देखो, क्या हमारी वैल्यू पुट करने के बाद 3 5 बाई 8 ब्रैकेट क्लोज 5 5 बाई 8 प्लस 10 इक्वल टू हमारा 15 आना चाहिए। देखते हैं, 5 3 15, 15 बाई 8 प्लस 5 5 25 प्लस 10 इक्वल टू 15। अब यहाँ पे एक चीज देखो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे किस फॉर्म में आ गई, फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई। तो जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में आते हैं और बिटवीन उनके जो बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है, तो हम उसका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या होगा, 8 8 का 8 होगा। मुझे क्या करना है, सेम करना है, 1 1 एंड यहाँ पे 8। ठीक है, क्यों, क्योंकि बिकॉज मुझे जो इनका जो डिनोमिनेटर गिवन है उसको सेम करना होता है जो हमारा एलसीएम आया। एंड अगर हम सेम करेंगे तो जिस नंबर से डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर से हमें न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। अब फर्स्ट टर्म आया 15 प्लस 25 प्लस 80। ठीक, अब यहाँ देखो, ये 8 है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, इस 8 को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगी, 8 यहाँ डिवाइड में यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इनका अगर मैं सम करती हूँ तो 5 5 10 एंड 8 एंड 8 प्लस 2 10 एंड 1 11 एंड 1 कैरी 12 120। और जब 8 को यहाँ पे करूँगी मैं सिर्फ, क्या आएगा, 120। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ जाएगा 120 इक्वल टू 120। तो हमारा LHS इक्वल क्या आ गया, RHS के इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट्स, एक तो होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, एक किस टाइप के क्वेश्चन और होते हैं देख लेते हैं। सपोज गिवन होगा, इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 80। क्या गिवन है, दो नंबर्स का सम 80 गिवन है। वन नंबर इज 10 मोर देन अनदर। एक नंबर जो हमारा, जो एक नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है, वो 10 मोर है, 10 ज्यादा है दूसरे नंबर के। फाइंड अनदर नंबर स्टूडेंट। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बोला कि दो नंबर है, सपोज ये हो गया मेरा, दो नंबर की सम कर देती हूं मैं, दो नंबर का सम कितना आ रहा है मेरे पास, 80 आ रहा है। वन नंबर इज 10 मोर देन अनदर। ठीक है, सपोज मैं वन नंबर ले लेती हूँ x, तो जो मेरा दूसरा नंबर वो क्या है, 10 ज्यादा है उस नंबर के। तो दूसरा नंबर क्या होगा मेरा, x प्लस 10 होगा। ये दो नंबर मिल गए मुझे, तो मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड अनदर नंबर। जो मैंने x की वैल्यू ली थी, अनदर नंबर, ये मुझे फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगी, जो मेरे पास दोनों नंबर की मुझे क्या मिला है, x मिला है एंड x प्लस 10 मिला है, इन दोनों का जब मैं ऐड करूंगी, इनका सम करूंगी, तो मेरे पास आंसर कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए। उसी से तो मुझे वेरिएबल की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करने में हेल्प मिलेगी। अब देखो, फर्स्ट नंबर मेरा x लिया मैंने, दूसरा क्या, x प्लस 10 लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, x है एंड x है, 1x 1x इक्वल टू क्या होगा, 2x प्लस 10 इक्वल टू 80। अब मैं 2x को यही रखूंगी, 80 माइनस 10, ये 10 यहाँ जब शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखो, ये बन गया मेरा 2x इक्वल टू 70। ओके, अब यहाँ पे मैं x को यही रखूंगी, और जब 2 को यहाँ शिफ्ट करूंगी 70 के पास, तो x और 2 के बिटवीन कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन का। तो मल्टीप्लीकेशन जब RHS हैंड साइड जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा, डिवाइड में कन्वर्ट होगा। तो ये हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 2 इज 35। तो मुझे x की वैल्यू क्या फॉर्म हुई, 35। अब हम अपना जो रिजल्ट है उसको वेरीफाई कर लेते हैं कि जो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की, क्या वो सही है। देखो स्टूडेंट्स, दो नंबर का सम कितना बोला था, दो नंबर का सम कितना था,
80 था, राइट। एक नंबर x प्लस 10 एंड दूसरा x। अब मैं पहले x प्लस, जो मेरा x की वैल्यू है 35 है, हो गया 35 प्लस x प्लस 10, मतलब 35 प्लस 10 इज इक्वल टू 45, तो दूसरा क्या होगा 45। इनका सम करके देखती हूँ, 5 प्लस 5 10, 4 प्लस 3 7 एंड 1 कैरी 80, तो दो नंबर का सम मेरा कितना आना चाहिए 80। तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, सम कितना आ रहा है 80 आ रहा है, मतलब जो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो वैल्यू हमारी बिल्कुल सही थी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो जो थर्ड किस टाइप का क्वेश्चन आता है उस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गए दो बेसिक टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। जब भी आप एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे तो आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, इस टाइप के जो क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को बताए, इसमें थोड़े हार्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा लेवल अप हो सकता है, बट हाँ जो मेथड है जो सॉल्व करने का वो सेम रहेगा। अब स्टूडेंट्स देखो, एक क्वेश्चन आते हैं जैसे एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 5 इक्वल टू में 3 बाय 4, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन बोलते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, जो हमारे LHS है और जो RHS है, जो दोनों के जो फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे गिवन है, ये वाली गिवन है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट 4, इस पूरे को उठा के टर्म को मैं यहाँ रख दूंगी x प्लस 3, इस पूरी एक्सप्रेशन को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, इक्वल टू में 3, देन अगेन इस एक्सप्रेशन को उठा के मैं ब्रैकेट में पुट कर दूंगी। अब इसको सॉल्व करूंगी, पहले क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करूंगी तो इसको मल्टीप्लाई करूंगी, 4x प्लस 4 थ्री जा 12 इक्वल टू 3x प्लस 5 थ्री जा 15। अब देखो जैसे पहले हमने सॉल्व किए थे उस टाइप की हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब देखो जो वेरिएबल के हैं उनको एक साइड लेंगे, ये यहाँ जाएगा तो माइनस 3x हो जाएगा इक्वल टू में ये 15 है एंड ये प्लस का 12 है, यहाँ के माइनस 12 में कन्वर्ट हो जाएगा और 4x माइनस 3x इक्वल टू सिंगल x हो जाएगा। अब बड़े नंबर का साइन प्लस है तो इसके साथ प्लस रहेगा। अब 15 माइनस 12 क्या होगा, मेरा 3 होगा। x की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आई मेरे पास, x की वैल्यू 3 आई। ओके, x की वैल्यू क्या फॉर्म हुई मुझे, 3 वैल्यू फॉर्म हुई। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अगर मैं x की वैल्यू इसमें पुट करके देखती हूँ, ठीक है, तो क्या बोला है, अगर मैंने x की वैल्यू इसमें पुट की तो क्या मेरा आंसर क्या आएगा। अब जैसे मेरा x प्लस 3 है तो x की वैल्यू मेरे क्या फॉर्म हुई, 3 फॉर्म हुई। ठीक है, अब देखो 3 प्लस 3 एंड 3 प्लस 5 ये हो गया मेरा 6 एंड 8। ओके, अब देखो बोला कि मैम यहाँ पे तो 6 बाई 8 आया बट वहाँ पे तो 3 बाई 4 है RHS साइड में। देखो स्टूडेंट्स एक और चीज कैंसिल आउट हो रहे दोनों, 2 से 2 3 जा 6 2 4 जा 8 क्या मिली मुझे x की, तो एक्स पुट करने के बाद मुझे आंसर क्या मिला, 3/4। तो LHS साइड भी मेरा 3/4 आ रहा है और RHS साइड भी मेरा 3/4 है, मतलब जो हमने x की वैल्यू फाइंड की है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन अबाउट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। स्टूडेंट्स देखो जो हम इसमें एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वो जो न्यू एनसीईआरटी है उसके बेस पे करेंगे, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में अभी जो एनसीईआरटी पब्लिश की है उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी हैं जो उन्होंने स्किप कर दी है या फिर जो उन्होंने पब्लिश या फिर उन्होंने प्रिंट नहीं किए, मतलब जो हमारे सिलेबस में सिंपल वे में सिलेबस में हमारे नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखो बाकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मेक श्योर कि आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।